हेलो गाइस क्या आप भी सीखना चाहते हो एच टी एम एल लैंग्वेज और डिजाइन करना चाहते हो वेब पेजेस लेकिन यहाँ पर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आखिर में ये एच क्या है एस टी वेब पेजेस कैसे बनाते हैं सी क्या है इनलाइन सी हो गया एक्सटर्नल हो गया इंटरनल सी हो गया ये क्या है इनका क्या यूज है कैसे अप्लाई करते हैं एस में फॉर्म कैसे बनाते हैं इमेज कैसे ऐड करते हैं टेबल कैसे बनाते हैं टी क्या है टी क्या है ये सब आप एस में जानना चाहते हो सो डोंट वरी ये वीडियो एक एच बिगिनर वीडियो है उन यूजर्स के लिए है जिनको एच के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है या फिर वो एच अभी सीख रहे हैं अपने स्कूल या फिर कॉलेज में और उनको थोड़ा बहुत डाउट है उनको फॉर्म डिज़ाइन करना नहीं आता उनको सी अप्लाई करना नहीं आता उनको एच के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा या फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो ऐसे में ये वीडियो उनके लिए यकीन मानिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जी हाँ इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट देखने के बाद आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है लेकिन मेरा यकीन मानिए मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो को ध्यान से देखना अच्छे से देखना और जो कुछ भी मैं आपको बताऊं वो नोट कर लेना अपने हिसाब से और उसके बाद इसे प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करना मैं आपको 100 परसेंट गारंटी देता हूं कि आप बहुत आसानी से एच टी एम एल वेब पेजेस बनाना सीख जाओगे सी एस एस अप्लाई करना सीख जाओगे फॉर्म बनाना तो यू चुटकियों में सीख जाओगे और उसके बाद आपको लगेगा ही नहीं कि वाकई में आप एच टी एम एल सीख गए हैं देखो यार यहाँ पे मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ जो कुछ भी आपको सिखाने वाला हूँ अगर आप उसे ध्यान से नहीं सुनोगे ध्यान से लर्न नहीं करोगे सीखोगे नहीं याद नहीं करोगे और उसे प्रैक्टिकली खुद घर पर ट्राई नहीं करोगे तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ भगवान भी आके आपको एच नहीं सिखा सकता इसलिए यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कुछ भी सिखाने वाला हूँ उन सभी एक एक बातों को ध्यान से सुनना अच्छे से सीखना अगर आप वाकई में एच सीखना चाहते हो और उसके बाद इसे नोट कर लेना और प्रैक्टिकली ट्राई करना अम श्योर sure आप जरूर एसटीएमएल सीख जाओगे आई नो यार मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया है अब आते हैं हम अपने सीधे मेन टॉपिक पे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा हो सके तो इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट के साथ अपने कॉलेज मेट के साथ जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जो कोई भी आपकी नज़र में है जो एस टी सीख रहा है उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना हो सकता है यार उनको मदद मिल जाए वो लोग भी अच्छे से एस टी सीख जाए और हो सके तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे ये वीडियो उतना ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगा उतने लोग

क्या यूज है तो यहां पर सिंपल में कहूं तो एच का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जी हां ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद मतलब से आप वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस होते हैं उन्हें आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं जी हाँ आप सभी को पता ही होगा कि एक वेबसाइट क्या होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया जैसे कि फ़ोटोज़ वीडियोस जी हाँ तो वहाँ पे जितने भी वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के अंदर वो जो वेब पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं वो बेसिकली आप आसानी से यहाँ पर एस की मदद मतलब से डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल मान लो यहां पर आपने किसी वेबसाइट को ओपन करा तो जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो वहां पर आपको होम पेज दिखाई देता है तो वो एक वेब पेज हो गया और उसके अंदर जो भी आपको लिंक्स मिलेंगे आप जिस भी लिंक पे क्लिक करोगे वो लिंक उससे कनेक्टेड है वहां पर लिंक किया गया और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा ठीक है तो वो एक दूसरा वेब पेज हो गया उसके बाद उसी वेब दूसरे वेब पेज के अंदर वहां पर और भी कई सारे लिंक होंगे तो आप उस पर क्लिक करोगे तो एक तीसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा तो इसी तरह पर वहाँ पे कई सारे जो वेब पेजेस होंगे उनके लिंक जो है

के लिए और उसे लिंक करने के लिए यहां पर आपको कई सारे टैग्स की जरूरत होती है यहाँ पर आपको एचटीएमएल टी वेब पेज बनाना है स्ट्रक्चर डिजाइन करना है कैसे हेडिंग डालनी है कैसे इमेज डालना है वहां पर कैसे लिंक डालना है तो यहां पर इन सभी चीजों के लिए यहां पर आपको टैक्स की ज़रूरत होती है अब आप बोलोगे यार टैक्स क्या है तो सिंपल भाषा में कहूँ तो टैक्स ये एलिमेंट होते हैं या फिर आप सिंपल सोच लो ये एक नाम है जहाँ पर एक टैक्स का हर एक टैक्स का काम होता है अलग अलग काम होता है जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको हेडिंग देना है तो अगर आपको वहाँ पर इमेज ऐड करना है तो ये आई टैग हो गया ऐसे कई सारे टैक्स हैं और मैं यहाँ पर आपको फ्रेंकली बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एस का जो पूरा फंडा होता है ये एस का पूरा जो काम होता है यहाँ पर टैक्स का ही होता है जी हाँ अगर आपको पता चल गया कि ये टैक्स कौन सा है किसका क्या यूज है और इसे कैसे यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको एस जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से आ जाएगा तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि वेब पेजेस क्या होते हैं एस क्या है देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कोई एक टैग नहीं है दस पंद्रह नहीं है जो मैं आपको एक वीडियो में बता दूँ यहाँ पर कई सारे टैग हैं और एक वीडियो में उन सभी टैग के बारे में एक्सप्लेन करना उन सभी को प्रैक्टिकल के साथ दिखाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक्स टैग बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो कैसे कोडिंग कर सकते हो एक एक करके और कौन सा टैग किसके अंदर आप डाल सकते हो यहाँ पर कुछ बेसिक्स टैग बताने वाला हूँ और इन टैग्स के यूज़ से इन टैग्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से कोडिंग कर सकते हो किस तरह से आप वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हो तो यहां पर हम कुछ सिंपल से टैग का इस्तेमाल करने वाले हैं और उनका यूज करने वाले हैं जैसे क्या हो गया हेड टैग हो गया ये बॉडी टैग हो गया टाइटल टैग हो गया आई टैग हो गया लिंक टैग हो गया और भी कई सारे जो बेसिक्स टैग है जो आपको एक सिंपल सा वेब पेज डिजाइन करने के लिए चाहिए होता है उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार टैग्स कैसे यूज करते हैं उसके बाद आप किसी भी किताब में कोई भी किताब आपके पास हो जो आपके स्कूल से मिला हो कॉलेज से मिला हो या फिर कोई भी किताब आप आप की खरीद के वहां पर आप जो कुछ भी टैग है इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे तो। तो में जान लेते हैं उनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या है, इनका क्या यूज है उसके बाद हम प्रैक्टिकली से यूज करेंगे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा जिसके बाद आपके जो सारे डाउट्स है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है वो एक डिक्लेरेशन है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि है डॉक टाइप जी हाँ यहाँ पर आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में डॉक टाइप लिखना होता है और उसके बाद एस टी लिखना होता है इसका क्या यूज़ है वेल well, ये आपको बताता है वेब ब्राउजर को ये बताता है कि आपका जो वेब पेज है या फिर कह लो जो एस वर्जन है वो कौन सा है फॉर एग्जाम्पल एस टी है एस टी है तो यहाँ पर ये यह जो सब चीज़ें हैं वो बेसिकली डॉक टाइप वर्जन बताता है यहाँ पर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं है बस आपको यह याद रखना है कि जब भी आप एस वेब पेज बनाओगे कोडिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको वहां पर ऊपर में यही जो एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप और HTML लिख देना है बस आपको यही याद रखना है आपको एस टी एम एल कोड से पहले जहाँ से आपका हेड टैग स्टार्ट होगा जहाँ से आपका जो एस्टिमे टैग है वो स्टार्ट होगा उससे ऊपर टॉप पे आपको हमेशा ये डॉग टाइप लिखना ही होगा बस ऐसा समझ लो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं सोचना है बस इतना सा याद रख लेना इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है जो कि है एच टी एम एल टैग वेल ये टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए जब भी आप किसी भी एक एच टी एम एल वेब पेज में डॉक टाइप डिक्लेयर करते हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट टैग आपको यूज़ करना होता है वो होता है एच टी एम एल टैग जी हाँ यहाँ पर आपको एच टी एम एल ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों लिखने होते हैं और इसके अंदर आप जो कुछ भी कोडिंग करोगे यानी एक वेब पेज में जो कुछ भी कोडिंग करोगे चाहे वो बॉडी टैग डालना हो इमेज टेबल क्रिएट करना हो वो सारा का सारा आपको यहाँ पर इस HTML ओपन और क्लोज टैग के अंदर लिखना होता है यह बात हमेशा ध्यान में रखना तो यहाँ पर ये टैग यूज़ क्या करता है बेसिकली इसका ये यूज है ये आपके वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि आपका जो ये फाइल है जो आपने बनाया है एच फाइल वो एक तरह का एच फाइल है तो इसी के मदद मतलब से ये वेब ब्राउज़र समझ पाता है तो इसी एच ओपन और क्लोज टैग के अंदर जो सारा कोड है वो लिखा जाता है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है और हमेशा जो डॉक टाइप डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पर एच ओपन और क्लोज टैग ज़रूर डालना होगा ये हमेशा ध्यान में रखना इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो है हेड टैग अब ये हेड टैग कैबल ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है और इसका भी एक्चुअल यूज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए हेड टैग बेसिकली एक तरह का कंटेनर होता है अब कंटेनर का क्या मतलब होता है जिसमें आप कई सारी चीज़ों को डाल के सेव करके रख सकते हो या फिर कई सारी चीज़ों को एक साथ डाल सकते हो सेम यहाँ पर हेड टैग का भी यही काम है हेड टैग एक तरह का कंटेनर है जहाँ पर आप कई सारी चीज़ों को कई सारे कोडिंग्स को डाल सकते हो जैसे कि आपको हेड टैग में जो भी टाइटल है उसे चेंज करना है

अच्छे से समझ आएगी कि मैंने ये क्यों कहा था हेड क्या होता है इसके साथ यहाँ पर हमें भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हेड का प्रैक्टिकली उसके बाद भी आपका जो डाउट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा हेड को लेके इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो है बॉडी टैग वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एच वेब पेज का जहां पर आप जो कुछ भी अपने वेब पेजेस में दिखाना चाहते हैं वो सारा का सारा यहां पर आप बॉडी टैग के अंदर आपको ये कोडिंग करना होता है यहां पर मैं आपको बता दूँ ये जो बॉडी टैग है वो बेसिकली यहां पर आपको एच टैग के अंदर ही लिखना होता है तो यहाँ पर आपको एक वेब पेज में जो कुछ भी दिखाई देता है चाहे वो पैराग्राफ हो गया लिंक हो गया इमेज हो गया वीडियो हो गया वो सारा का सारा आपको यहाँ पर एक बॉडी टैग के अंदर ये जो सारी कोडिंग है वो खा जाता है ये बात आपको ध्यान में रखना है सिंपल सा देख लो कि एक वेब पेजेस में आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सारा का सारा एक बॉडी टैग के अंदर जो कोडिंग है उसकी कोडिंग लिखी जाती है इतना से सिंपल बात आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर अभी हम हाँ एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं यार यार देखो यहाँ पे मैं आपको अभी बता रहा हूँ दोबारा से यहाँ पर ये एक टैग नहीं है कोई गीने चुने टैग नहीं है यहाँ पर कई सारे टैग है एंकर टैग हो गया लिंक टैग हो गया इमेज ऐड करने के लिए आईएमजी टैग हो गया वीडियो ऐड करने के लिए वीडियो टैग हो गया ऑडियो के लिए ऑडियो टैग हो गया और साथ में यहाँ पर और भी कई सारे टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग हो गया कई सारे टैग हैं यार एक वीडियो में उन सभी टैग को एक एक करके एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है ये आप सभी लोग भी जानते होंगे तो यहाँ पर बस मैं आपको टैग कैसे यूज करना है जो भी मैंने अभी समझाया उन टैग्स को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आप जितने भी टैग्स होंगे जैसे कि आप आगे जाके जो भी टैग्स पढ़ोगे इस वीडियो कोर्स के बाद वो सारे के सारे टैग्स को अगर आपका यू आपको उनका यूज़ पता चल गया तो आप उन्हें आसानी से वहां पे इंप्लीमेंट करना एक वेब पेज में यूज़ करना ऐड करना वो सब आप आसानी से सीख जाओगे तो चलिए एक सिंपल सा छोटा सा वेब पेज बनाते हैं कैसे आप एस्टिमेल वेब पेज बना सकते हो कैसे उसे एक्सटेंशन दे सकते हो कैसे उसमें आ, कोडिंग कर सकते हो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा फॉर्मेट क्या होगा वो सब सीख लेते हैं उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पर अब हम आप चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे तो यहाँ पर अब हम एक छोटा सा एक एच का वेब पेज डिज़ाइन करेंगे एक वेब पेज बनाएंगे तो यहाँ पर एक एच वेब पेज बनाने के लिए आपको नोट पैड ओपन करना होगा तो यहाँ पर हम नोट पैड ओपन कर रहे हैं या फिर आप चाहे तो टेक्स्ट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने सिंपली नोट को ओपन कर लिया इसके बाद अब आपको यहाँ पर कोडिंग करनी है जो भी एच वेब पेज बनाना है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एक एच वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको डॉक टाइप डिक्लेयर करना होगा तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिंपल सा ये ऐसे एंगल लिख के यहाँ पर आपको डॉक टाइप लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है और उसके बाद यहाँ पर सिंपल एच लिख के इसे यहाँ से ऐसे क्लोज़ कर देना है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको कहा था जो कुछ भी आप कोडिंग लिखोगे वो सारा का सारा यहाँ पर एच टैग के अंदर होगा तो यहाँ पर डॉग टाइप के बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो आता है एच तो यहाँ पर हमने ये एच लिखा ये हो गया ओपन टैग इसका एक क्लोज़ टैग ज़रूर लिखना होता है हमेशा याद रखें जो भी टैग आप यूज़ करोगे उसका क्लोज़ टैग ज़रूर डालें तो यहाँ पर हमने ये क्लोज़ लिख दिया तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे क्लोज टैग और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे ओपन टैग क्लोज टैग को यहाँ पर ऐसे इस तरह से आप शो कर सकते हैं तो हम इसे सिंपल सा नीचे ले लेते हैं अब मैंने यहाँ पर कहा था कि आपका जो एच का जो कुछ भी कोडिंग होगा वो सारा का सारा यहाँ पर इसके अंदर होगा यानी इस एच टैग और इस एच टी क्लोज टैग के अंदर होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बोला था एक हेड टैग होता है ठीक है तो यहाँ पर हमने सिंपल सा ये हेड टैग लिख, लिख लिया और उसके बाद इसका भी एक क्लोज़ लगा दिया ध्यान रहे हर किसी का एक क्लोज आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है तो यहाँ पर हमने ये हेड टैग लगा दिया और उसका क्लोज़ कर दिया उसके बाद यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखोगे जैसे कि मैंने आपको बोला था इसके अंदर ये एक तरह का कंटेनर होता है जहाँ पर आप टाइटल डाल सकते हो सी एस एस फाइल डाल सकते हो या फिर कह लो यहाँ पर आप स्क्रिप्ट डाल सकते हो तो यहाँ पर भी सिंपल फ़िलहाल के लिए हम बेसिक के लिए यहाँ पर एक टाइटल टैग डाल देते हैं तो टाइटल देने के लिए हम सिंपल सा टाइटल टैग लेंगे इसके अंदर देखिए इसके लिए हम लिखेंगे टी आई टी एल ई टाइटल और उसके बाद यहां पर आपको जो कुछ भी देना है जैसे कि यहां पर आपको देना है फर्स्ट यहां पर आपको देना है हेलो हेलो वर्ल्ड ठीक है ये आपका टाइटल देना है या फिर इसकी जगह पे मैं अपना सिंपल सा नाम लिख देता हूँ चलो ये मैंने लिख दिया अपना नाम ठीक है और यहां पर मैं सिंपल सा अब जैसे मैंने आपको बताया था ये हो गया ओपन टैग अब तो इसका क्लोज भी डालना होगा तो यहां पर हमने लिख दिया टी आई टी एलिए टाइटल ये क्लोज टैग हो गया ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्लोज टैग ये रहा और इसका क्लोज टैग ये रहा तो यहाँ पर आपको इसके अंदर ही लिखना है इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है बॉडी टैग जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था बॉडी टैग तो ये बॉडी टैग हम लिखेंगे और इसका जो भी क्लोज टैग है ये हमने बॉडी का क्लोज टैग लिख दिया ठीक है अब इसके अंदर जो कुछ भी हम कोडिंग करेंगे वो सारा का सारा आपको जो भी वेब पेज है उसके अंदर आपको दिखाई देगा ठीक है तो यहाँ पर हम सिंपल सा पहले एक पैराग्राफ लिख लेते हैं तो पैराग्राफ के लिए एक टैग है पी ठीक है पी लिखा और यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखा हेलो माय नेम इज मनोज सारू ये हमने लिख दिया यहाँ पर ठीक है ये हमने लिख दिया ठीक है उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ का क्लोज टैग तो ये एक पैराग्राफ हो जाएगा ठीक है इसी तरह आपको दूसरा पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पर आप दूसरा ले सकते हो पी लिख के माई uh, यहाँ पर हमने लिख दिया प्लीज लाइक लाइक दिस वीडियो ये हमने लिख दिया और उसका क्लोज टैग लगा दिया तो ये पैराग्राफ हो गया इसी तरह से यहाँ पर आपको एक हेडिंग डालना है तो यहाँ पर हेडिंग के लिए होता है एच वन टैग एच टू टैग यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए चलिए मैं यहाँ पर जो हेडिंग के टैग होते हैं वो बेसिकली सिक्स टैग होते हैं एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव और एच सिक्स ठीक है तो यहाँ पर मैं सभी टैग को लेता हूँ ये मैंने एच वन ले लिया और इसके अंदर लिख दिया फर्स्ट हेडिंग और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया ध्यान रहे हर किसी का आपको क्लोज़ करना बहुत ही ज़रूरी है हर टैग का ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सिंपल इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ठीक है ये जस्ट ताकि टाइम बच सके और उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल सा चेंज कर देता हूँ एच हो गया ये और ये एच हो गया इसी तरह यहाँ पर मैं ये एच कर देता हूँ मैं यहाँ पर हेडिंग इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये हेडिंग से क्या डिफरेंस आएगा आपको H1 H2 और यहाँ पर फोर डाल दिया और यहाँ पर फोर तो इस तरह से सिक्स हेडिंग होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है अभी आपको समझ आ जाएगा जब मैं इसको आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा तो ये हमने कर दिया यहां पर एच सिक्स एच वन ठीक है यहां पर देखिए ये आपने H1, H2, H3, H4, H5, थ्री एच हेडिंग ऐड कर दिया और यहाँ पर आपने ये पैराग्राफ ऐड कर दिया तो यहाँ पर आपका एक सिंपल सा एक जो वेब पेज है वो रेडी हो चुका है जिसका जो हेड टैग में जो भी टाइटल होगा वो होगा मेरा नाम मनोज सर उसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग दी होंगी तो अब आप इस फाइल को सेव करना है इसे एक एच बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सिंपल से यहाँ पर आपको फाइल पर जाना है सेव एज ए पे क्लिक करना है और उसके बाद फाइल को जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ पर आपको जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर फाइल का जो कुछ भी नाम दे दीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ मैं फाइल यहाँ पे एच टी एम एल फाइल वन दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर आपको डॉट डाल के एच टी एम एल लिखना है ये हमेशा ध्यान रखें उसके बाद यहाँ पर, पर आपको सेव एज अ टाइप को सेलेक्ट करके यहां पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हटा के यहां पर आपको ऑल फाइल्स क्लिक करना है यहां पर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं फाइल नाम आप जो कुछ भी दे सकते हैं जो कुछ भी आपको फाइल नाम देना है वो आप दे सकते हैं उसके बाद यहां पर डॉट लिख के एच जरूर लिखे उसके बाद यहां पर सेव एज टाइप में ऑल फाइल को सिलेक्ट करें और उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करें तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो फाइल है हमारे सामने आ चुका है और ये रही कोडिंग अब जैसे ही इस फाइल को आप ओपन करोगे अगर ओपन नहीं होगा तो आपको क्या करना है सिंपल से इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विद पे जाके यहां पर आपको सिंपल सा गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर जो भी आपका ब्राउजर है वो सिलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ पे जैसे ये फाइल ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही आपकी हेडिंग एच मैं आपको दोबारा से यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ ये देखिए ये जो आपने कोड लिखा था एच वन ये रहा एच टू ये रहा है एच थ्री ए रहा एच फोर ये रहा एच फाइव ये रहा एच सिक्स ये, ये रहा तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ये बड़ा है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और उसके बाद जो भी आपने पैराग्राफ लिखे थे देखिए ये जो पैराग्राफ आपने लिखे थे वो ये रे हेलो इज और यहाँ पर जो भी आपने टाइटल लिखा था देखिए टाइटल ये रहा मनोज सारू ये टाइटल बेसिकली ये रहा ऊपर की साइड आप देख सकते हैं ये टाइटल है तो ये एक सिंपल सा एच फाइल है जहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप ये कोडिंग कर सकते हो कैसे कोडिंग लिखने का तरीका होता है कैसे आप कोडिंग ऐड करते हो कैसे आप टैग यूज़ करते हो इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे टैग होते हैं मैंने आपको बताया कोई एक टैग नहीं है फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आप इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप एक इमेज ऐड करना चाहते हो ठीक है तो इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा एक कोड है आई एम जी टैग ठीक है आई एम जी टैग आपने टाइप करा उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है सोर्स सोर्स का जो शॉर्टकट है वो है एस आर सी सोर्स लिख के यहाँ पर इक्वल साइन लगा के यहाँ पर आपको डबल कोट लिख के इसके अंदर जो भी आपके इमेज का जो भी लोकेशन है जो भी यू है वो आपको यहाँ पर डालना होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे इमेज का नाम है मनोज सारू और डॉट पी एन जी ठीक है यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया देखिए ये रहा ये इमेज है ये मनोज सारू डॉट पी एन जी ये एक इमेज है आप इन दोनों के बीच में वहाँ पर वेब ब्राउजर में शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ये लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है सिंपल सा इस टैग को क्लोज कर देना है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आई एम जी टैग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सिंपल सा जो इसका सिंटैक्स है वो आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर आई एम जी लिखना है एस आर सी लिखना है और जो कुछ भी इमेज का सोर्स है ध्यान रहे यहाँ पर ये यह जो इमेज है और ये दोनों फाइल है ये सेम लोकेशन पे है तो यहाँ पर आपको पूरा जो पाथ है पूरा जो लोकेशन है वो डालने की जरूरत नहीं है बस सिंपल सा इसका नाम लिख दीजिए और जो भी फाइल फॉर्मेट है जैसे पी है तो पी लिख दीजिए यहाँ पर आपको फाइल फॉर्मेट पता करना है तो सिंपल इस पर राइट right क्लिक कीजिए प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा पी देखिए तो यहाँ पर आपको करना क्या है अगर मान लीजिए ये जो इमेज है वो दूसरे लोकेशन में है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सिंपल से यहाँ पर देखिए ये लोकेशन आपको दिख रहा है इस लोकेशन को कॉपी करना होगा और इसके आगे स्लैश लगा के ये आपको यहाँ पर टाइप करना होगा स्लैश लगा के ठीक है ये बात हमेशा ध्यान में रखें अब इसके बाद क्या करते हैं इस फाइल को हम सिंपली यहाँ से सेव से करते हैं ध्यान रखें जब भी आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हर बार फाइल को सेव करना होगा ठीक है उसके बाद हम दोबारा से अपने उस वेब पेज को खोलते हैं देखिए रहा अब हमने यहाँ पर ये यह इमेज जो है वो ऐड करा है इसके टैग यानी ये हेडिंग टैग और ये पैराग्राफ में ठीक है तो इनके बीच में आना चाहिए इमेज तो चलिए हम इसे रीलोड करते हैं तो देखिए जैसे हमने रीलोड करा तो ये जो इमेज है वो बेसिकली यहाँ पर आ गया इसके बाद यहाँ पर अगर आपको इनके साइज़ छोटे बड़े करने हैं तो सिंपल सा से आप आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी या फिर कह लो एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा हाइट ये हमने डाल दिया फिफ्टी ठीक है और उसके बाद विर्थ डाल दिया W आई टी एच विर्थ ये डाल दिया हमने फिफ्टी और उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपल साइज़ फाइल को सेव कर दिया उसके बाद हम देखिए यहाँ पर रीलोड करते हैं तो ये जो इमेज है वो देखिए छोटा हो गया देखिए कितना छोटा हो गया तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी इमेज का जो भी साइज़ है जो भी इसे बॉर्डर देना चाहते हो जो भी इमेज ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो सेम इसी तरह यहाँ पर अगर आपको वीडियो ऐड करना है तो आप वीडियो टैग यूज़ करोगे सेम इसी तरह यहाँ पर अगर आगर आगर आपको ऑडियो ऐड आड़ करना है तो आप ऑडियो टैग यूज़ करोगे इस तरह से यहाँ पर आप कई सारे जो टैग है वो यूज़ कर सकते हो अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप उस इमेज को कहाँ पर उस चीज़ को पे दिखाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो सिंपल सा आप चाहते हो इस हेडिंग के ऊपर हो तो सिंपल सा आपको इस टैग को कॉपी करके यहाँ पर लिख देना है उसके बाद फाइल को सेव करके रीलोड करेंगे तो आपको सेम वो जो इमेज है वो दिख जाएगा तो यहां पर देखिए मैं दोबारा से से सेम वैसे ही कर देता हूँ इमेज को दोबारा से बड़ा कर देता हूँ ताकि ये और सही दिखे ये मैंने सेव कर दिया और उसके बाद रीलोड करेंगे तो देखिए इमेज बड़ा हो गया तो ये जो इमेज है मेरे इंस्टाग्राम का है और इंस्टाग्राम से मुझे याद आया कि अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो जाओ फॉलो कर लेना यहाँ पर मनोज सारू नाम है ये आईडी है और जो भी आपके सवाल है वो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो तो देखा आपने एक एच पेज बनाना कितना सिंपल है इसी तरह आप इसमें कई सारे और कोडिंग कर सकते हैं कई सारे टैग को और यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक एच पेज कैसे बनाते हैं इसके अंदर आप टैग्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया आई टैग यूज़ करके पैराग्राफ लिख के भी दिखा दिया हेडिंग्स यूज करके भी मैंने आपको दिखा दिया और उस इमेज के साइज़ को कैसे छोटा करते हैं एट्रीब्यूट्स की मदद से जैसे हाइट वेट हो गया ये सब आप आपको आसानी से समझ आ गया होगा तो इसी दोस्तों यहां पर आपको और टैक्स के बारे में भी अच्छे से जानना होगा उनका यूज जानना होगा यहां पर आपको अब यूज तो करना आ गया होगा बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैग किस काम आता है तो आपको एक एक करके सारे जो टैग्स है वो सभी को अच्छे से जान लेना है उनका यूज जान लेना है उसके बाद आप उन टैग्स को ऐसे ही यूज कर सकते हैं यहां पर आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा फिर से कि देखो इस वीडियो में एक सिंगल वीडियो में उन सभी टैग्स को पूरे को एक सिंगल साथ उनका यूज उनका प्रैक्टिकली यूज करके दिखाना पॉसिबल नहीं है आप सभी लोग भी अच्छी तरह जानते हैं यहां पर बस मैं आपको वो डाउट क्लियर कर रहा हूं बस मैं आपको बता रहा हूं कि टैक्स होते क्या है कैसे यूज करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आपको जरूर आनी चाहिए वो है टेबल क्रिएट करना जी हाँ आपने देखा होगा इंटरनेट में कई सारे ऐसे वेब पेजेस होते हैं जहाँ पर आपको टेबल बना के दिखा जाता है जहाँ पर नाम होता है हेडिंग्स होते हैं वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होते हैं तो सेम इसी तरह यहाँ पर आपको टेबल क्रिएट करना भी बहुत आना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है और हर एचटीएमएल यूज़र को टेबल के बारे में एकदम क्लियर डाउट पूरा होना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा आप जो कि बहुत ही आसान है तो यहाँ पर सेम इसी तरह से अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए आप

टी एच यानी टेबल हेडिंग टैग भी डालना होता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है इसी टेबल टैग के अंदर वो है टी डी टैग जी हाँ टी डी टैग बेसिकली होता है कॉलम के लिए अगर आपको एक टेबल में जो भी वैल्यूज़ है वो कॉलम वाइज ऐड करना है एक करके दो करके तीन करके मतलब कॉलम वाइज ऐड करना है तो यहाँ पर आप टी डी यूज़ करेंगे तो हमेशा बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं आर मतलब रो के लिए होता है और टी डी होता है कॉलम के लिए ये बस आपको याद रखना है इस टेबल टैग के अंदर चलिए मैं आपको अब सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं फिर आपके जो सारे डाउट है इस टेबल टैग को लेके वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और आप भी चुटकियों में जो टेबल है एस टी एम एल के अंदर वो क्रिएट कर सकते हैं तो चलो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं ठीक है थीके? तो टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा मैं ये सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ रखता हूँ हेडिंग वन रखता हूँ इमेज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये मैंने पैराग्राफ को भी हटा दिया ठीक है सिंपल से यहाँ पर मैंने हेडिंग रखा है और यहाँ पर हम एक मार्कशीट लिख देता हूँ मैं मार्कशीट ये मैंने मार्कशीट लिख दिया ठीक है और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल सा एक मार्कशीट टेबल क्रिएट करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था इसे आप बॉडी टैग के अंदर यूज़ करोगे तो बॉडी टैग के अंदर आपको टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल टैग का यूज़ करना होगा तो ये रहा टी ए बी एल ई टेबल टैग ठीक है और उसके बाद इसे यहाँ पर बंद कर दिया और उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग ठीक है और इसके अंदर हमें जो कुछ भी कोडिंग करनी है टेबल टैग क्रिएट करने के लिए वो हम यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर टेबल टैग के अंदर दो पॉपुलर टैग है जो कि है टी आर जो कि है टेबल रो और टी डी जो कि है टेबल डेटा मतलब रो क्रिएट करने के लिए आप टी आर टैग का यूज करोगे ठीक है और इसके अंदर जो भी डेटा आपको फिल करना है या फिर कह लो कॉलम में डेटा डालना है उसे आप बेसिकली टी डी के तरफ यूज करोगे तो यहाँ पर मैं सिंपल सा टी आर मैंने लिख दिया ठीक है ये हो गया टेबल रो ठीक है अब यहाँ पर हम मान लीजिए हमें हेडिंग देनी है ठीक है हम तीन रो क्रिएट करेंगे जहाँ पर पहले रो में होगा ये हमने टेबल हेडिंग के लिए टी एच देख दिया और उसके बाद यहाँ पर पहले लिख दिया इंग्लिश ठीक है मार्कशीट बना रहे हैं हम और ये टी एच बंद कर दिया ध्यान रहे यहाँ पर मैं आपको हर बार बताता हूँ जिसका भी ओपनिंग टैग होगा उसका क्लोज टैग होता है लेकिन कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिन्हें आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है ठीक है तो यहाँ पर सिंपल से ये मैंने टी एच लिख दिया एक टेबल हैड तो ये एक रो बन जाएगा एक रो बन जाएगा इसके बाद दूसरा रो यूज़ करना है तो यहाँ पर हम ये सिंपल से लिख देते हैं चलो इसे भी यहीं पर नीचे ले आते हैं ये लिया हमने और यहाँ पर हमने लिख दिया टी एच ठीक है और उसके बाद मैथ्स लिख देते हैं यहाँ पर और ये हमने टी एच लिख के बंद कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट एक और टैग ले लेते हैं टी एच और ये ले लेते ले हैं हम हिंदी तो ये है टेबल की हेड ठीक है ये क्लोज कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसे सेव करूँगा देखिए चलो मैं इसे यहाँ पे सिंपल सा सेव करता हूँ ठीक है उसके बाद हम इसे सिंपल ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक हेडिंग लिखा हुआ रहा है मार्कशीट और यहाँ पर ये यह जो तीन रो है एक ये हो गया दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया अब हमें यहाँ पर सिंपल सा बॉडी सॉरी इसे बॉर्डर देना है तो बॉर्डर देना है टेबल में बॉर्डर भी ज़रूरी होता है तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे या फिर कह लो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बॉर्डर तो ये सब आप आपको बुक में मिल जाएगा जब आप पढ़ोगे बस मैं आपको यहाँ पर यूज़ सिखा रहा हूँ तो ये बॉर्डर लिख के यहाँ पर हमने वन दे दिया ठीक है तो ये वन देने के बाद मैं सेव कर देता हूँ तो देखना इसके इनके जो आ, यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा जिससे आपको ये एक तरह से टेबल लगेगा अब मैं इसे रीलोड करता हूँ मैंने सेव कर दिया इसे रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये जो बाउंड्री है वो क्रिएट हो गई है इस बाउंड्री को आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हो सी एस एस की मदद से जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा तो यहां पर देखिए जो तीन रो है, एक रो ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा रो ये हो गया अब क्या करना है आपको यहां पर वैल्यूज ऐड करनी है जैसे कि आपको यहां पर एक वैल्यू ऐड करनी है यहां पर एक वैल्यू ऐड करनी है यहां पर एक वैल्यू करनी, करनी है तो इसके लिए हम बेसिकली टी डी टेक का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो यहां पर हमने सिंपल सा हमेशा ध्यान रहे यहां पर आपको ये टी आर टैक के अंदर ही लेना है तो ये हमने टेबल रो लिया एक ये पहला था देखिए इस रो को क्रिएट करने के लिए ठीक है अब यहाँ पर हमें एक और दूसरा तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो टेबल रो लिया था हमने ये बेसिकली इस लाइन के लिए था ये जो लाइन ऐसे जाएगी इस लाइन के लिए था इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ पर सिंपल सा टी आर लेना है और हमेशा याद रखना हमेशा आप टी आर के अंदर ही टी डी टैग को यूज़ करोगे तो इसका मैंने क्लोजिंग टैग बना दिया ये देखो ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपको टी डी टैग यूज़ करना होगा ठीक है तो यहाँ पर हमने ये टी डी यूज़ करा टी डी में हमने यहाँ पर डाल दिया एटी ठीक है सॉरी ये हमने डाल दिया एटी और इसका क्लोजिंग टैग कर दिया टी डी ठीक है उसके बाद एक दूसरा तो ये जो पहली वाली वैल्यू है टी डी देखिए टी आर टैग के अंदर टेबल रो तो इसका जो पहला जो वैल्यू है वो इसमें आ जाएगा इंग्लिश में इंग्लिश के जस्ट नीचे आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर सेम हम यही टैग लिख के यहाँ पर दो और कॉपी कर देते हैं टाइम बचाने के लिए ये हमने ठीक है और इसमें मार्क्स कर दिया हमने थर्टी थ्री कर दिया और इसमें हमने मार्क्स कर दिया यहाँ पर फोर्टी कर दिया तो देखिए ये जो पहला वाला टी आर के अंदर ये जो टी डी टैग है पहला वाला ये वाला जो टैग है ये हमें इस, इसमें आ जाएगा इसके बाद ये जो दूसरा टी डी टैग है ये मैथ्स के नीचे आ जाएगा और ये जो तीसरा टैग है ये आ जाएगा हिंदी के नीचे तो इस तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है हमेशा टी डी टैग के अंदर ही सॉरी टी आर टैग के अंदर ही आपको टी डी टैग यूज़ करना है इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल से इसे सेव कर देते हैं और रीलोड करेंगे तो देखना ये जो तीनों वैल्यू है ये इनके नीचे आ जाएगी एक एक करके तो देख सकते हैं आप ये आ चुका है रीलोड करने पर ठीक है तो इसी तरह आपको और वैल्यूज ऐड करनी है तो देखिए यहाँ पर आपको इसके जस्ट नीचे और वैल्यूज अगर आप यहाँ पर दूसरा वैल्यू डालोगे देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप टी लिख के एक और वैल्यू डालोगे ट्वेंटी तो आप देखना ये वैल्यू कहाँ पे आएंगे मैं आपको बस एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ और उसका मैंने सेव कर दिया तो ये जो तीसरा अब देखो यहाँ पे तीसरा रो तो हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर एक तीसरा रो क्रिएट हो जाएगा नीचे जहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी बीस देखिए मैं इसे रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक बीस वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पर जैसे जैसे आप वैल्यू ऐड करोगे अब सेम आपको यहाँ पर और नी, इनके नीचे वैल्यू ऐड करनी है इसके नीचे एक वैल्यू ऐड करनी है इसके नीचे एक वैल्यू ऐड करनी है तो यहाँ पर आप टी आर टी डी टैग को सिंपल सा इसे मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ये वाले को ठीक है इसके अलावा यहाँ पर आप सेम इस इस कॉपी कर लेना और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना जितने आप यूज़ करोगे देखो यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दी दो कर दिया उसके बाद यहाँ पर तीन ये कर दिया चार सौ कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने ये 180 ऐसे कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दिए उसके बाद ये ठीक है तो यहाँ पर हमने दो कॉलम और ऐड किए हैं देखिए दो कॉलम तो ये जो दो वैल्यू है पहली वाली ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी इसकी ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी अब हम इसे सिंपल सा सेव करते हैं जिससे आपको समझ आ जा जाएगा देखिए तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप कॉलम में ऐड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हर कॉलम में ऐड करने के लिए आपको हर एक टी टैग लेना होगा और उसके अंदर टी टैग लिखना होगा और इसके बाद जो भी वैल्यू आपको ऐड करना है वो आपको यहां पर टी टैग के अंदर लिखना होगा तो, तो इस तरह से आप कॉलम वाइज ऐड करते जा सकते हैं तो देखा आपने कितना आसान है कैसे आप टेबल टैग की मदद से इसके अंदर टी आर टैग यूज करके टी डी टैग यूज करके बहुत ही आसान से एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं एच टी एम एल फाइल के अंदर तो आपने देखा ये कितना आसान है सिर्फ इसी तरह दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपको एक जरूर चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए एच टी एम एल में जो कि है फॉर्म क्रिएट करना जी हाँ आपने देखा होगा इंटरनेट पर आपको कई सारे ऐसे फॉर्म होते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं जहाँ पर आपसे डेटा भरवाया जाता है आपसे टैक्स भरवाया जाता है आपका पासवर्ड लिया जाता है मेल आई लिया जाता है और वहाँ पर आपको सामने सबमिट बटन भी दिखा देता है तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपका जो डेटा है वो चला जाता है तो यहां पर अगर आपको ये सब चीज़ क्रिएट करना है एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो वो सब भी आप बहुत आसानी से यहां पर एच की मदद से कर सकते हैं तो यहाँ पर एच में फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा फॉर्म टैग का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसके अंदर और भी कई सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है प्रॉपर्टीज़ है और कई सारे टैग है जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंपल से टैग बताने वाला हूँ जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कोई वैल्यू लेना है यूज़र से यानी आप उससे कोई वैल्यू ले रहे हैं पासवर्ड टाइप करवा रहे हैं टेक्स्ट टाइप करवा रहे हैं तो यहाँ पर एक टैग है जिसका नाम है इनपुट जी हाँ इनपुट ऐसा टैग है जिसकी मदद से आप जो भी यूजर से जो भी टेक्स्ट है जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको किसी का नाम डलवाना है किसी की थोड़ी सी जानकारी चाहिए डिटेल चाहिए तो यहां पर आप इनपुट लिखोगे टाइप लिखोगे और उसके बाद लिखोगे टेक्स्ट क्योंकि आप टेक्स्ट के फॉर्मेट के रूप में लेना चाहते हो लेकिन यहां पर अगर आप यूजर से पासवर्ड ले रहे हो जो कि पासवर्ड दिखाई नहीं देना चाहिए तो यहां पर आप लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड या फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई ऑप्शन सिलेक्टेड लेना चाहते हो जैसे कि वो जेंडर मेल है या फिर फीमेल है तो यहां

टैग टाइप का इस्तेमाल करेंगे तो चलो सिंपल सा प्रैक्टिकल करते हैं तभी आपको ये इनपुट क्या होता है रेडियो बटन क्या होता है टाइप क्या होता है वो सब अच्छे से समझ आएगा तो यहाँ पर आप एक बार बुक में जरूर देख लेना कि फॉर्म में जितने भी टैग्स होते हैं उनका क्या यूज है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जा जाए यहाँ पर बस मैं आपको बेसिक्स टैग बताने वाला हूँ ताकि आप एक सिंपल सा टैग क्रिएट करना सीख जाओ और कैसे और फॉर्म कैसे बनाते हैं ये सब सीख जाओ ताकि आपके जो भी बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे बाकी आगे की जो चीज़ें हैं फॉर्म को लेके वो सब तो आप आसानी से खुद ही कर लोगे अगर आपका एक बार ये जो सारा डाउट्स है फॉर्म को लेके वो क्लियर हो जाएगा तो तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं तो अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करके दिखाऊंगा कि आखिर में फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं तो यहाँ पर मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ठीक है आप चाहे तो इसके जस्ट नीचे टेबल टैग के जस्ट नीचे से यहाँ से भी कोडिंग कर सकते हैं क्योंकि ये बॉडी टैग के अंदर ये देखिए ये रहा क्लोजिंग टैग और इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल से इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए और यहाँ पर सिंपल सा एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ एच थ्री ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ठीक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ एच थ्री इसका मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमें एक हेडिंग दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ठीक है तो यहाँ पर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्म टैग का यूज करते हैं तो यहाँ पर सिंपल से आपको लिखना है फॉर्म और इसका क्लोजिंग टैग लिखते हैं यहाँ पर फॉर्म ये हो गया अब इसके अंदर हमें जो भी कोडिंग है वो हमें यहाँ पर करनी होगी तो मैं इसे सिंपल से एंटर करके नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर हम जो भी कोडिंग लिखेंगे फॉर्म की वो होगा अब यहाँ पर हमें यूजर से वैल्यू लेना है टेक्स्ट फॉर्म में लेना तो उसके लिए हम मैंने आपको बताया था इनपुट टैग का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा टाइप ये होगी इसका एट्रीब्यूट या फिर कह लो प्रॉपर्टी और उसके बाद यहाँ पर आपको डबल कोट में लिखना होगा टेक्स्ट क्योंकि हम टेक्स्ट ले रहे हैं ये बात आपको याद रखना है ठीक है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पर हमने इसे सिंपल सा क्लोज कर दिया ठीक है अब यहाँ पर हम इसे सिंपल सा सेव करते हैं फॉर एक्जाम्पल इसके आगे अभी कोडिंग करेंगे मैं बस आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर इनपुट लिखा तो यहाँ पर देखिए आप वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं यहाँ पर एक कॉलम आ गया देखिए तो ये जो भी कोडिंग आपने लिखी है यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ये इसके लिए कोडिंग है अब यहाँ पे देखिए फॉर्म में क्या होता है इसके साइड में यहाँ पर आपको लिखा होता है नेम ठीक है तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये नेम ठीक है और इसके बाद सेव करते हैं तो देखिए ये जो कॉलम यहाँ पे जो आपको ये फॉर्म दिख रहा है ये जो वैल्यू आप यहाँ पे डाल लो इसके जस्ट यहां पर आपको नेम लिखा हो जाएगा मैं इसे रीलोड करता हूं तो देखिए देखिये नेम आ गया अब यहां पर आप जो कुछ भी नाम लिखना चाहते हैं वो आप यहां पे लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आता है यहां पर हम एक और टेक्स्ट डाल देते हैं मान लीजिए हमने यहां पर आ गया ये हो गया फर्स्ट नेम ठीक है इसके बाद हम यहां पर सिंपल सा लिखते हैं सेकेंड लास्ट नेम ठीक है ये लास्ट नेम डाल दे और यहां पर सेम लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू क्योंकि हमें टेक्स्ट ही चाहिए सेकेंड वाला भी तो हमने ये टेक्स्ट लिख दिया ठीक है तो यहां पे देखिए अगर मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूं और उसके बाद रीलोड करता हूँ तो देखिए ये जस्ट इसके आगे आ गया ठीक है आप चाहते हो इसके जस्ट नीचे आए मतलब ये जो लास्ट नेम है ये जस्ट इसके नीचे आए तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर एक बी टैग लगाना होगा देखिए तो इसके लिए यहाँ पर आपको सिंपल सा एक बी टैग लगाना होगा तो ये हमने बी आर मतलब ब्रेक करना इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टैग पहले यहाँ शो हो रहा था ये वाला जो है लास्ट नेम ये जस्ट इसके नीचे आ जाएगा ब्रेक हो जाएगा यहाँ से लाइन टूट जाएगी इसके जस्ट नीचे आ जाएगा देखिए मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए इसके जस्ट नीचे आ गया अगर आप चाहते हो इसी के आ गया है तो आपको सिंपल सा यहाँ पर ये ऐसे कर देना सेव कर देना है बी आर टैग हटा देना है बी आर यानी ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर सारा जो फंडा होता है वो बेसिकली टैग का ही होता है इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है यहां पर एंटर योर पासवर्ड ठीक है ये आपको पासवर्ड एंटर करवाना है ठीक है चलो इतना कुछ नहीं लिखते हैं। हाँ पे सिंपल से लिखते हैं पासवर्ड तो इसके लिए आप क्या करोगे यहां पे सिंपल से लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू ये लिख के यहां पर लिखोगे पासवर्ड ठीक है ये हो गया पासवर्ड टाइप और ये मैंने बंद कर दिया और इसे यहाँ पर क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है इन सभी चीज़ों के लिए ध्यान रखना बस जो मेन टैग होता है फॉर्म टैग होता है उसको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं है अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो एक नेक्स्ट नीचे इसके नीचे नहीं इसके आगे होगा तो यहाँ पर हम सिंपल सा बी टैग लगा देते हैं ठीक है ताकि ये जो पासवर्ड वाला जो ये लाइन है कॉलम है ये जस्ट इसके नीचे आ जाए इसके आगे ना आए ठीक है थीके? तो हमने ये ब्रेक करने के लिए यहाँ पे लगा दिया अब हम इसे सिंपल सा रीलोड करते हैं उससे पहले यहाँ पर आपको सेव करना है और रीलोड करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर पासवर्ड का आ जाएगा देखिए पासवर्ड का आ गया अब यहाँ पर फर्स्ट नेम में हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको आसानी से लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट है वो लिखा हुआ दिखाई देगा ठीक है देखिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ लेकिन यहाँ पर पासवर्ड में ऐसा सीन नहीं है पासवर्ड हमेशा आपको देखा आपने ब्लैक ब्लैक डॉट में होता तो यहां पर आप जो कुछ भी एंटर करोगे देखो ब्लैक डॉट में आएगा ये भी कितना आसान है आपने देखा ही ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट आता है अगर आपको इसी तरह किसी दूसरा टेक्स्ट ऐड करना है तो यहां पर आप दूसरा टेक्स्ट बना सकते हो जैसे कि यहां पर आपको फोन नंबर एंटर करवाना है तो यहां पर आप सिंपल सा लिखो सिंपल सा लिख दो फोन नंबर और उसके बाद यहां पर सिंपल वही टैग ले लो इनपुट टाइप इक्वल टू फ़ोन नंबर भी टेक्स्ट में ही होता है तो हम टेक्स्ट में ले लेते हैं ये टेक्स्ट ठीक है टेक्स्ट मतलब नंबर भी टेक्स्ट में ही काउंट होगा यहाँ पर और इसे हम सिंपल से ऐसे ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये फ़ोन नंबर आ गया अब ये इसके आगे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बी आर टैग नहीं डाला तो यहाँ पर हम बी आर टैग डालेंगे देखो ठीक है सॉरी ये हमने बी आर डाल के डाल दिया और फिर सेव कर दिया तो ये जो फ़ोन नंबर है जेस्ट इसके नीचे आएगा देख सकते हैं तो यहाँ पर ब्रेक करने के लिए आपको ये करना होगा ठीक है तो इस तरह से आप ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप फोन नंबर एंटर करना चाहते हो वो भी आप एंटर कर सकते हो देखो ऐसे कुछ अब आपने यहाँ पर ये फोन नंबर भी ऐड कर दिया लास्ट नेम पासवर्ड भी ऐड करना सीख गए हैं अब आपको यहाँ पर एक रेडियो बटन सेलेक्ट करना है मतलब आपने एक जेंडर कैटेगरी डाला है जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप मेल है या फिर फीमेल है तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी सिंपल से ज्यादा कुछ नहीं करना बस आपको यहाँ पर लिखना होगा इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ पर आपको रेडियो बटन के लिए यहां पर आपको सिंपल सा रेडियो लिखना होगा ठीक है उसके बाद यहां पर आपको नेम लिखना होगा नेम में यहां पर आपको जेंडर देना है ठीक है इसके बाद यहां पर आपने सिंपल सा इसे क्लोज कर देना है ठीक है उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहां पर दोबारा से इसे लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो ठीक है और ये नेम इक्वल टू जेंडर और इसके बाद मान लीजिए ये जो पहला टाइप है ये है बेसिकली मेल के लिए और दूसरा जो है ये है फीमेल के लिए ठीक है यहां पर हमेशा ध्यान रखना ये जो भी नेम आपने यहाँ पे डाला है इसमें जो भी जेंडर डाला है जो भी आप यहाँ पे नाम लिखोगे वही सेम नाम आपको यहां पर लिखना है तभी ये दोनों मैच करेंगे और दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है तो यहां पर हम सिंपल सा लिख देते हैं इसके ऊपर जस्ट चलो यहीं पर लिख देते हैं सिलेक्ट जेंडर ठीक है ये हमने लिख दिया इसके बाद हम सिंपल सा इसे सेव कर लेते हैं ठीक है सेव करने के बाद अब हम यहां पर सिंपल सा इसे यहां पर रीलोड कर लेते हैं तो देखिए रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा देखिए सिलेक्ट जेंडर तो ये जो सेलेक्ट जेंडर लिखा उसके आगे ये जो कोड लिखा ये यहां हाँ पर ये यह बटन क्रिएट हो गया और उसके आगे यहां पर ये यह मेल आ गया ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट होगा यहाँ पर ये रेडियो बटन आएगा और उसके आगे यहाँ पर फीमेल होगा देखिए ये ऑप्शन आ गया अब यहाँ पर आप दोनों में से मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया तो देखिए ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया अगर मैं इसे सिलेक्ट करता तो ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाना चाहिए तो देखिए अनसेलेक्ट हो गया तो इस तरह से यहाँ पर आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह अगर आपको यहाँ पर तीन चार ऑप्शन बनाने हैं तो वो आप यहाँ पर तीन चार ऑप्शन बना सकते हैं मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ ये मैंने लिख दिया लेकिन सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिख दिया ये चार ऑप्शन बना दें यहाँ पे मैंने और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ भी ये ए ए ए और यहाँ पर ये मैंने दूसरा लिख दिया सॉरी यहाँ पर आपको ये जो नेम है ये सबका सेम ही रखना है ये बात आपको ध्यान में रखना है तभी ये एक दूसरे से मैच होंगे सॉरी ये मैंने जेंडर सेम रख दिया और यहाँ पर मैंने इनका नाम चेंज कर दिया यहाँ पर ए ए ए और यहाँ पर मैंने इनका नाम रख दिया बी बी अब यहाँ पर चार ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास देखिए ठीक है अब मैं इसे यहाँ पर सिंपल सेव करता हूँ यहाँ पर ध्यान न हमेशा जो नेम है ये सब में सेम होना चाहिए तभी ये चारों ऑप्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होगा चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा देखिए यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ तो ये चार ऑप्शन आ गए अब यहाँ पर देखिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाना चाहिए देखिए तो यहाँ पर चारों में से आप सिर्फ एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से आप फॉर्म में रेडियो बटन बना सकते हैं इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सबमिट बटन जी हाँ आपने देखा होगा कई सारे फॉर्म में वहाँ पर आपको एक सबमिट का बटन ज़रूर देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप सबमिट बटन भी बहुत आसानी से एस्टिमल में क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर एक टैग लिखना होगा बटन जी हाँ बटन लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा टाइप ठीक है तो यहाँ पर यह बटन टैग है उसका टाइप लिख के यहाँ पर आपको सिंपल सा सबमिट लिखना होगा ये हमने सबमिट लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है ये हमने वैल्यू दे दी मतलब आपको क्या नाम देना है इस बटन का तो यहां पर हम सबमिट लिख देते हैं ये हमने सबमिट लिख दिया और उसके बाद सिंपल सा इसे यहां पर ये एंगल ब्रैकेट और उसके बाद इसका जो क्लोज टैग है वो हम यहां पे दे देते हैं ये हमने दे दिया क्लोज टैग बटन ठीक है और उसके बाद यहां पर हम ये लिख देते हैं सिंपल सा इसके बीच में सबमिट एस यू बी एम आई टी सबमिट लिख दिया और से हम सिंपल सा सेव कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये इसमें सबमिट में चला गया और ये टाइप है ये है मतलब एक सबमिट बटन है और उसके बाद यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखा वो बेसिकली यहाँ पर आपको शो हो जाएगा तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं सबमिट एस यू बी सबमिट फॉर्म ये आपने लिखा और सिंपल सा आपने यहाँ पर सेव कर दिया तो देखिए यहाँ पर सबमिट फॉर्म आ जाएगा देखिए तो इसे हम यहाँ पे जस्ट नीचे के साइड लाना चाहते हैं तो यहां पर हम सिंपल सा बी आर टैग डाल देते हैं नीचे लाने के लिए ये हमने डाल दिया तो ये नीचे आ जाएगा जस्ट इसके देखिए ठीक है तो इस तरह से एक फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है इसके बाद यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि है प्लेस होल्डर जी हां आपने देखा होगा कई सारे नाम के आगे यहां पर हल्का सा लाइट कलर में लिखा होता है एंटर योर नेम तो वो कैसे लिख सकते हैं यहां पर एक एट्रीब्यूट है प्रॉपर्टी है जिसका नाम है प्लेस होल्डर देखिए प्लेस होल्डर जहां पर आप लिखोगे डबल कोड लिखोगे यहां पर लिखोगे एंटर योर नेम तो देखिए इसका क्या मतलब होता है यहां पर आप सेव कर दोगे तो हमने ये लिखा फर्स्ट नेम के आगे मतलब इसके अंदर तो यहां पर हमें एक लाइट कलर में लिखा हुआ आएगा एंटर योर नेम देखिए मैं सिंपल सा रिलोड करता हूं तो देखिए यहां पर ये लाइट कलर में आ गया एंटर एंटर योर नेम तो यहां पर जैसे हम टाइप करेंगे तो वो हट जाएगा तो इस तरह से यहां पर आप हर जगह पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहां पर आपको पासवर्ड में लिखना है तो यहां पर आप सिंपल सा टाइप करोगे प्लेस होल्डर इक्वल टू डबल कोट में यहां पर एंटर योर पासवर्ड एंटर पासवर्ड और ये लिख के यहाँ पर आप सिंपल इसे सेव कर दोगे तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी होंगी ये एट्रीब्यूट्स याद रखने होंगे तो देखिए यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड आ गया तो इस तरह आप हर जगह पर ऐड कर सकते हैं तो देखा आपने कितनी आसानी से आप यहाँ पर एस की मदद मतलब से एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो नेम एंटर करवा सकते हो पासवर्ड डाल डलवा सकते हो एक रेडियो बटन बना सकते हो सबमिट बटन बना सकते हो और प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हो आपने देखा कितना आसान है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर्म में और भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं कई सारे टैग होते हैं जो आपको पता होना चाहिए ये एक सिंपल है जिससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन करते हैं फॉर्म किस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर आप उन सारे प्रॉपर्टीज के जो भी फॉर्म के बचे हुए हैं जो टैग्स बचे हुए हैं जो एट्रीब्यूट्स बचे हुए हैं उन सभी को आप पढ़ोगे एक बार उन्हें ट्राई करने की कोशिश करोगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा जाए जाए। बस यहां पर मेरा जो मोटो था वो था आप लोगों को ये बताना कि कैसे फॉर्म क्रिएट होता है इन सभी चीजों के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी तक आपने देखा कि जो कुछ भी आपने डिजाइन करा जो कुछ भी आपने फॉर्म बनाया जो कुछ भी आपने पेज बनाया वो सब आपको एक सादा सादा दिख रहा था तो यहाँ पर इन सभी चीजों को डेकोरेट करने के लिए स्टाइलिश बनाने के लिए कलर डालने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है सी एस एस जी हाँ अब आप बोलोगे ये सी एस एस क्या है तो सी एस एस का जो फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट वेल इसकी मदद मतलब से आप अपने वेब पेजेस को डेकोरेट करना चाहते हो स्टाइलिश बनाना चाहते हो डिज़ाइन करना चाहते हो उसमें कलरफुल ऐड करना चाहते हो और भी कई सारी चीज़ें मतलब एक सिंपल से वेब पेज को यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव स्टाइलिश पेज बनाना चाहते हो तो यहाँ पर ये सब आप बहुत आसानी से सी एस एस यानी कि कास्ट स्टाइल शीट की मदद से बना सकते हो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सी एस एस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है एक है इनलाइन सी एस एस दूसरा है इंटरनल सी एस एस और तीसरा है एक्सटर्नल सी एस एस आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जान लेते हैं इनका प्रैक्टिकल यूज जान लेते हैं जिसके बाद आपको बहुत आसानी से जो सी एस एस है वो समझ आ जाएगा उसके बाद आप अपने जो भी वेब पेजेस है उसे और ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हो देखो यहाँ पे सी एस एस में आपको कई सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे जो आपको पता होना चाहिए जो अगर आपके पास एक किताब है एस टी एम एल की आपके स्कूल या कॉलेज की तो वहाँ पर आप सी एस एस पढ़ना वहाँ पर आपको कई सारी और चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कलर हो गया फॉन्ट हो गया इटैलिक या बोल्ड करना है तो उसके लिए आपको फॉन्ट लिखना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको इटैलिक बोल्ड लिखना होगा ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए इसके अलावा यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स तो यहाँ पर कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं और उन सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ यहाँ पर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर बस मैं आपको सी को अप्लाई करना सिखाऊंगा कि ये इनलाइन सी क्या होता है एक्सटर्नल सी क्या होता है इंटरनल सी क्या होता है है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है आप कब-कब इस्तेमाल कर सकते हो और इसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इनकी बाकी जो प्रॉपर्टीज है एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको खुद से याद करना होगा जो आपको किताबों में या फिर इंटरनेट में आसानी से मिल जाएगा तो यहां पर एक-एक करके आइए जान लेते हैं इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं तो यहां पे सबसे पहला जो सीएसएस आता है वो है इनलाइन सीएसएस जी हां जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है इन लाइन मतलब कि अगर आपको उसी लाइन के अंदर यानी उसी टैग के अंदर उसी एट्रीब्यूट के अंदर अगर आपको सी एस एस यानी कि स्टाइल अप्लाई करना है कलर चेंज करना है फ़ॉन्ट चेंज करना है उसमें डिज़ाइन करना है तो यहाँ पर आप इन लाइन सी एस एस का इस्तेमाल कर सकते हो जी हाँ मतलब कि मान लीजिए आपके एक पेज में कई सारे पैराग्राफ हो सकते हैं कई सारे हेडिंग्स हो सकते हैं कई सारे टेबल्स हो सकते हैं कई सारे इमेजेस हो सकते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए आपको एक सिंगल से पैराग्राफ में कई सारे पैराग्राफ में सिर्फ एक उसी सिंगल से पैराग्राफ में उसे आपको डिज़ाइन करना है डेकोरेट करना है एक अलग तरीके से दिखाना है बाकी उसे तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट में मतलब एक सिलेक्टेड एलिमेंट में जिस भी सिलेक्टेड एलिमेंट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसमें अगर आपको सी एस एस अप्लाई करना है स्टाइल कलर करना है तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आप इनलाइन सी एस एस का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं आखिर में कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जिसके बाद आपका जो भी डाउट है इनलाइन सी एस एस को लेके वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम समझेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल सी एस एस के बारे में एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर हमने पहले से फॉर्म क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पर हम इस फॉर्म को सिंपली सिंपली यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लेते हैं पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ करते हैं हेलो माय नेम इज़ सरू ठीक है और यहाँ पर ये यह पी लिख दिया हमने ठीक है अब मान लीजिए इसी पैराग्राफ को यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ हैं मैं तो सिंपल इसे यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे रिमूव कर देता हूँ ये हमने ठीक है ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल पाँच पैराग्राफ है अब यहाँ पर आपको इन पाँचों पैराग्राफ में से सिर्फ एक पैराग्राफ पे सी एस अप्लाई करना है यानी स्टाइल अप्लाई करना है ठीक है मान लीजिए आपको यहाँ पे सेकंड वाले पे अप्लाई करना है बाकी जो सेम दिख रहे हैं उन्हें आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको शो करना है तो यहाँ पर आप सिंपल से क्या करोगे चलो मैं पहले से सेव से कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे रीलोड कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है सिंपल से दिखाई दे रहा है अब आप चाहते हो कि यहाँ पर जो सेकंड वाला ये वाला जो पैराग्राफ है इस पर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो बाकी सब सेम दिखे तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर जो इनलाइन सीसेस है वो इस्तेमाल कर सकते हो तो इस यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल सा लिखना होगा स्टाइल जी हाँ ये एक स्टाइल है और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर जो भी स्टाइल अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कलर कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप कलर लिखोगे और यहाँ पर आपको ये कॉलन लगाना होगा ठीक है हमेशा याद रखें प्रॉपर्टीज आप इस तरह से लगाते हो जब आप यहाँ पर जो भी सी जो भी प्रॉपर्टीज हैं जो भी एट्रीब्यूट है जो भी टैक्स है, है वो पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से जो भी प्रॉपर्टीज है वो समझ आ जाएगा तो यहाँ पर कलर अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आप कलर लिखोगे फिर कॉलन लिख के यहाँ पर आपको रेड कलर करना है तो आप रेड लिख दोगे और सिंपल सा इसे क्लोज कर दोगे और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दोगे देखो इस तरह से ये अप्लाई किया जाता है ये बात हमेशा से याद रखना ठीक है तो यहाँ पर इस पूरे लाइन में जो सी एस एस है वो अप्लाई हो चुका है देखिए स्टाइल लिख के यहाँ पर आपको सिंपल सा इक्वल लगा के डबल कोट के अंदर कॉलन लिखना है तो वो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसके बाद सिंपल सा आप यहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसे सिंपल सा सेव कर देता हूँ ये जो है वो सेव हो चुका है अब मैं यहाँ पर रीलोड करूंगा तो देखना इसका जो कलर होगा सेकेंड वाले का वो रेड हो जाएगा तो देख सकते हैं ये रेड हो गया तो इस तरह से आप सी एस एस को जो है इन लाइन सी एस एस को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा आपने कितना आसान है इन लाइन सी एस एस जी हाँ इसकी मदद से अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे या फिर किसी सिंगल एलिमेंट पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर ये यह सब आप आसानी से इनलाइन सी एस एस की मदद से यूज़ कर सकते हो और हमेशा जब भी आपको किसी एक सिंगल एलिमेंट पे सिंगल टैग पे जो भी स्टाइल है अप्लाई करना है तो ऐसे कंडीशन में आप इन लाइन सी एस एस का इस्तेमाल कर सकते हो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है इंटरनल सी एस एस जी हां जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल यानी कि जो भी पेज है उसके अंदर जितने भी टैग है उन सभी में आपको सेम जो स्टाइल है वो अप्लाई करना है अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास छः के छः जो पैराग्राफ पड़े हैं उन सभी छः के छः पैराग्राफ में आपको जो स्टाइल है वो अप्लाई करना है तो यहाँ पर अगर आप उन सभी के छः के छः में अगर आप एक करके स्टाइल अप्लाई करोगे तो आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा तो यहाँ पर अगर आप ऐसा चाहते हो एक सिंपल सा कोड लिख दो ठीक है हेड टैग के अंदर स्टाइल डिक्लेयर करके और उसके बाद जितने भी वो पैराग्राफ है जितने भी आपने पैराग्राफ लिखे हैं या फिर कह लो हेडिंग टैग के लिए जितने भी हैडिंग है उन सभी में सेम स्टाइल अप्लाई हो जाए जो भी आपने अप्लाई करा है मतलब आपने मान लीजिए आपके छः पैराग्राफ है पाँच पैराग्राफ है और आपने हेड टैग के अंदर एक स्टाइल को डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी में ये वाला जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाए तो ऐसे कंडीशन में यहां पर आप इंटरनल सीसेस का इस्तेमाल कर सकते हो आई होप आपको समझ आ गया होगा तो चलिए इसे सिंपल से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अभी आप यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर ये जो चार पाँच जो पैराग्राफ है आप देख सकते हैं ये पांच पैराग्राफ है इनका जो कलर है वो सेम है अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे पांचों में सेम कलर लगाना है तो मैं यहाँ पर एक एक करके कोडिंग करूंगा इनमें जाके यहाँ पर इनलाइन सी एच सप्लाई करूँगा तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन यहाँ पर एक मैं सिंपल सा कोड लिखूँ जिससे इन सभी में ऑटोमेटिकली जो कलर है जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाए तो ऐसे कंडीशन में आप इंटरनल सी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर इंटरनल सी को अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है आपको जो भी इंटरनल सी का जो भी कोडिंग है स्टाइल का जो भी कोडिंग है वो बेसिकली आपको हेड टैग के अंदर लिखना होगा और मैंने आपको बताया था कि हेड टैग एक आप एक कंटेनर है जहाँ पर आप कई सारे टैग को डाल सकते हो और उसके बाद उसे अप्लाई कर सकते हो जैसे कि हो गया टाइटल सी हो गया और साथ में यहाँ पर आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो तो वो सब आप यहाँ पर हेड टैग के अंदर कर सकते हो तो यहां पर आपको सिंपल सा जो भी इंटरनल स्टाइल शीट होगा उसकी जो कोडिंग होगी वो आपको हेड टैग के अंदर करना होगा ये बात हमेशा ध्यान रखें तो यहां पर आपको सिंपल सा लेना होगा स्टाइल टैग जी हां यहां पर आपको टैग लेना होगा स्टाइल का ठीक है आपको इनलाइन में नहीं लेना पड़ता था लेकिन यहाँ पर आपको इंटरनल में लेना पड़ेगा अब हम इसे उसके बाद यहाँ पर आप जो कुछ भी कोडिंग करेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इन सभी पैराग्राफ में जो कलर है जो स्टाइल है वो अप्लाई करना होगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना सिंपल से यहाँ पर एक पी लिख देना है पैराग्राफ मतलब जो भी इनका ये जो भी है नाम पैराग्राफ और उसके बाद यहाँ पर आपको करली ब्रेसिस लगा देना है ठीक है ये दो करली ब्रेसिस उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है जो भी स्टाइल लगाना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप सिंपल सा कलर लिख दोगे कॉर्नर लगा दोगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बस लिखना होगा जो भी कलर है फॉर एग्जाम्पल आपको रेड कलर लगाना है तो यहाँ पर आप सिंपल सा रेड कलर लगा सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है सिंपल सा ये सेमी कॉलन लगा देना है ठीक है इस तरह से आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या फिर बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए मैं इसे सेव कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर इस एक छोटे से कोड की वजह से यानी इतने छोटे से कोड की वजह से देखिए इन सभी में जो स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा तो देखिए सारा का सारा जो है वो ऑटोमेटिकली रेड हो गया इसके अलावा यहां पर मान लीजिए मैं कोई दूसरा पैराग्राफ पे ऐड करता हूँ देखिए ये कुछ भी ऐसे टाइप करके ठीक है तो उसके बाद यहां पे मैंने तो इसमें भी जो स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा देखिए ये भी रेड कलर का ही होगा देखिए तो इस तरह से जितने भी आप जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी में रेड कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा सेम इसी तरह अगर आपको हेडिंग में ऐड करना है देखिए यहां पर दो दो हेडिंग है एच वन हेडिंग ये है ये भी एच वन हेडिंग है और यहां पर ये एच टू एच टू हैडिंग है तो यहाँ पर आप चाहते हो एच वन जितने भी हेडिंग है सब में कलर चेंज हो जाए तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है सिंपल से यहाँ पर लिखना है एच वन उसके बाद यहाँ पर आपको करली ब्रेसेस लगाना है उसके बाद यहाँ पर कलर लिख के उसका जो भी यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको चाहे इसका कलर करना है ब्लू ब्लू नहीं हम ग्रीन कर देते हैं ये हमने ग्रीन कर दिया और ये लगा दिया उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया और सिंपल सा हमने इसे सेव कर दिया तो जितने भी एच वन ये एच वन है और ये एच वन है तो ये जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कलर है वो ग्रीन हो गया तो इस तरह से आप इंटरनल ये सप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आप और भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो फॉन्ट हो गया जो भी स्टाइल हो गया जो भी आपको डेकोरेट करना है वो जब आप किताब में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको कई सारे प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे तो वो सब आप यहाँ पर ऐसे स्टाइल टैग के अंदर अप्लाई कर सकते हो तो आपने देखा कि कितना आसान है ये इंटरनल सी एस एस अप्लाई करना तो यहाँ पर अब आपको इनलाइन सी एस एस भी आ गया इसका पता चल गया क्या यूज़ है इंटरनल सी एस एस भी आपको पता चल गया इनलाइन सी एस एस आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं और दूसरा इंटरनल सी एस एस अगर आपको एक वेब पेज में जितने भी वो एलिमेंट है जैसे पैराग्राफ जितने भी पैराग्राफ है उन सभी में आप अगर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे कंडीशन में आप इंटरनल सी एस एस का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट सी एस एस आता है वो है एक्सटर्नल सीसेस जी हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लगेगा यहाँ पर इसका यूज क्या है आप देखिए एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं ठीक है थेके? आप कोई एक दो वेब पेजेस तो नहीं होते तो वहाँ पे कई सारे वेब पेजेस हो सकते हैं तो यहाँ पर अब क्या करोगे आप एक सिंगल पेज के लिए तो सिंपल सा इंटरनल यूज कर लोगे या फिर इनलाइन यूज़ कर लोगे यहाँ पर लेकिन अगर आपको सेम वही स्टाइल जितने भी इंटरनल सॉरी जितने भी एक्सटर्नल वेब पेजेस है जितने भी वेब पेजेस है आपके वेबसाइट में उन सभी में अप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दस पेजेस है अब दस पेजेस के सब पेजेस में अगर आप मान लो पहले पेज में जाओगे वहाँ पर इंटरनल से अप्लाई कर दोगे ठीक है उसके बाद सेम वही कोडिंग आपको दूसरे में अप्लाई करना होगा तो आपको वही कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा या फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और बहुत बड़ा जो कॉपी पेस्ट कोड होता है सेम इसी तरह आपको तीसरे में अप्लाई करना होगा तो आपको तीसरे के लिए कोड लिखना पड़ेगा सेम या फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो कोड होता है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा इन सभी चीज़ों से इन सभी झंझट से बचने के लिए यहाँ पर आप सिंपल सा एक्सटर्नल सी अप्लाई कर सकते हैं जी हाँ यहाँ पर आपको अलग से एक एक्सटर्नल सी फाइल बनानी होगी जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी जी हाँ जिस तरह से आप एस फाइल बना रहे हो से इसी तरह यहाँ पर आपको सी अप्लाई करने के लिए एक सी फाइल बनानी होगी जो कि टेक्स्ट फाइल से ही आप बना सकते हैं और उसके बाद इसमें जो भी स्टाइल लगा हुआ है इसमें जो भी डिज़ाइन uh, किया गया है इसमें जो भी स्टाइलिंग अप्लाई की गई है उन सभी को आप इन सभी से अटैच करना चाहते हो तो बस आपको एक छोटा सा लिंक डालना होगा हैड टैग में और उसके बाद छोटा सा कोड लिखना होगा हेड टैग में और उसके बाद जो भी कोडिंग है वो सारा का सारा जो भी स्टाइलिश है वो सारा का सारा जो स्टाइल है वो बेसिकली जितने भी आपके वेब ब्राउजर में जो भी एलिमेंट है उन सभी में अप्लाई हो जाएगा मतलब जिस जिस के लिए वो कोडिंग लिख रखा है वो सभी में वो अप्लाई हो जाएगा बहुत आसानी से आई होप आपको एक्सटर्नल सीसेस समझ आ गया होगा तो चलिए इसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ तब आपके सारे जो डाउट्स है एक्सटर्नल सी सेस को लेकर वो क्लियर हो जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर इंटरनल स्टाइल अप्लाई है तो यहाँ पर मैं इन सभी को हटा देता हूँ ये मैंने यहाँ से इन सभी को ये स्टाइल टैग को यहाँ से हटा दिया ठीक है अब यहाँ पे किसी भी तरह का कलर नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर ये यह बिल्कुल सादा है अब यहाँ पर आपको एक्सटर्नल चीजेंस अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको एक और नए नोट को ओपन करना होगा देखिए यहाँ पर हम नोट ओपन कर लिया हमने और उसके बाद यहाँ पर आपको अलग से एक सी एस एस फाइल बनानी होगी अब यहाँ पर सी एस एस फाइल कैसे बनेगी सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टाइल लिखना होगा तो स्टाइल क्या होगा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जितने भी पैराग्राफ है ठीक है तो यहाँ पर आप पैराग्राफ में जो भी कलर है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपल सा जिस तरह से आपने इंटरनल स्टाइल में कोडिंग लिखी थी इंटरनल सीएसएस में सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको वही कोडिंग लिखना है जैसे कि आपको कलर चेंज करना है कलर आपने यहाँ पर डाल दी ग्रीन ठीक है ये एक कोड हो गया ठीक है ये अप्लाई हो जाएगा जितने भी पैराग्राफ है पी नेक्स्ट हम डालते हैं बॉडी मान लो चलो बॉडी टैग में हम कुछ कलर चेंजेस करते हैं तो इसमें हमने कलर चेंज कर दिया यहाँ पर ये हम डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर ठीक है बैकग्राउंड डैश कलर लिख के ये हमने यहाँ पर इसका कलर डाल दिया हम कलर डालते हैं सिंपल सा डाल देते हैं पिंक चलो ब्लू डाल देते हैं यह हमने ब्लू डाल दिया कलर और उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपल सा सेमी कॉलर लगा के इसे बंद कर दिया ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हेड टैग है तो हेड टैग के लिए एच वन टैग में हम एक और कलर डाल देते हैं यहाँ पर कलर इक्वल टू यहाँ पर हम डाल देते हैं येल्लो ठीक है ये अलग से हम एक स्टाइल शीट बना रहे हैं ये बात ध्यान में रखना आपको ठीक है और ये हमने यहाँ हाँ पर याद रहे यहाँ पर आपने जिस तरह से इंटरनल स्टाइल शीट में जो कोडिंग लिखते हैं सेम ऐसे ही सेम कोडिंग आपको यहाँ पर भी वैसे ही लिखनी है बस आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना होगा सेव कैसे करना है आपको फाइल पर क्लिक करना है सेव ऐसे पे क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ पे भी जहाँ पे भी आपका जो फाइल है डेस्कटॉप तो में है तो डेस्कटॉप में उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है नाम देते वक्त यहाँ पर आपको नाम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ स्टाइल का चलो मैं यहां पर दे देता हूं s1 ठीक है और उसके बाद यहां पर आपको एक्सटेंशन डालना होगा .css ये आपको ध्यान में रखना है इसका एक्सटेंशन होना चाहिए .css ठीक है उसके बाद यहां पर ऑल फाइल्स पे सेलेक्ट करके सिंपली इसे सेव कर लेना है तो हमारा ये जो फाइल है वो एक स्टाइल शीट बन चुका है ठीक है इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा है स्टाइल शीट ये रहा हमारा html का फाइल और ये रहा स्टाइल अब हमें इस ये जो फाइल है वो बेसिकली इससे लिंक करना होगा ठीक है तो लिंक करने के लिए हमें इसकी कोडिंग को ओपन करना होगा तो यहां पर इसकी कोडिंग को ओपन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और सिंपल से यहां पर नो इसे ओपन विथ नोट पैड पर क्लिक करेंगे तो जो इसकी कोडिंग है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी अब यहाँ पर हमें इसे लिंक करना ये भी जो भी स्टाइल शीट है वो हमें यहाँ पे लिंक करना होगा तभी जो ये स्टाइल है वो अप्लाई होगा तो लिंक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा कोड डालना होगा एल ये एंगल ब्रैकेट में लिंक और उसके बाद आर ई एल मतलब रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए आर एल लिख के यहाँ पर एस स्टाइल एस टी वाई स्टाइल शीट ये आपको लिखना है ठीक है हमेशा ये ध्यान रखना लिंक आर ई एल इक्वल टू स्टाइल शीट ये आपको लिखना है रिलेशन स्टाइल शीट है मतलब स्टाइल शीट है यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो और उसके बाद यहाँ पर आपको एच रफ़ लिखना है एच रफ़ मतलब जो आपका स्टाइल शीट है ये वाला जो स्टाइल शीट है उसकी जो लोकेशन है वो क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर अगर ये सेम फोल्डर में है सेम लोकेशन में है तो यहाँ पर सिंपल सा आपको बस इसका नाम दे देना है एस वन लिख के डॉट सी एस एस ठीक है और उसके बाद ये बंद कर दिया और ये हमने इसको बंद कर दिया और इसके बाद हम सिंपल सेव पे क्लिक करते हैं तो ये जो सी एस एस है हमारा इस पेज से इस एक सिंगल पेज से अप्लाई हो गया तो हमने जो कुछ भी कोडिंग डाली है देखिए मैं यहाँ पर आपको ये कोडिंग भी दिखा देता हूँ देखिए ये जो कोडिंग डाली है हमने यहाँ पर पी कलर यानी जितने भी पैराग्राफ कलर है उसका कलर ग्रीन हो जाए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए और जितने भी जो कलर है वो हेडिंग टैग है उनका जो कलर है वो येल्लो हो जाए ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी डाल रखा है ठीक है तो यहाँ पर सिंपल सा इसे हमने ये जो पेज था इसे हमने यहाँ पे लिंक कर दिया ये लिंक हो गया इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली इसे सेव करते हैं और उसके बाद इस पेज को ओपन करते हैं क्योंकि हमने इससे लिंक करा देखिए तो हमने इससे लिंक करा तो देखिए यहाँ पर ये जो सबका जो कलर है वो ग्रीन हो गया है और इसका जो कलर है वो येल्लो हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सी में दिखाता हूँ देखिए सी एस पैराग्राफ का जो कलर था वो ग्रीन सबका और बॉडी कलर जो था तो वो ब्लू कर दिया हमने बैकग्राउंड में देखिए सारा जो बॉडी कलर है वो ब्लू हो गया और हेडवेन का जो टैग था वो बेसिकली था येल्लो तो देख सकते हैं यहाँ पर ये येल्लो है तो इस तरह से दोस्तों आप सी ए से सप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान है बस आपको एक अलग से स्टाइल शीट बनानी होगी ये स्टाइल शीट बना दिया और उसे सिंपल सा जिस भी पेज में आपको लिंक कराना है जिस भी पेज में अप्लाई करना है उसमें आपको सिंपल सा लिंक कर देना है तो यहाँ पर आपने देखा एक्सटर्नल सी को भी कितना आसान है यहाँ पर आपको अलग से एक सी फाइल बनानी होगी जिसका डॉट एक्सटेंशन सी देना होगा और इसे सिंपल सा जिस भी पेज में उस सी को अप्लाई करना है वहाँ पर सिंपल सा लिंक टैग की मदद से वहाँ पर उसे लिंक कर दो और उसके बाद वो पूरे वेब पेज में जो भी आपने कोडिंग करे हैं वो अप्लाई हो जाएगा तो इस तरह से आप एक्सटर्नल सी का यूज कर सकते हैं तो यहां पर इनलाइन सी भी आप आपको आ गया इंटरनल भी आपको पता चल गया इसका क्या यूज है और एक्सटर्नल सी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इनका क्या यूज है ये भी आपको पता चल गया तो यहां पर सी में बस यही तीन मेन इंपॉर्टेंट सी फाइल होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर इसके कई सारे प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि आपको फॉर्म चेंज करना हो कई सारे कलर चेंज करने हो स्टाइल करना हो तो यहां पर कई सारी चीज़ें हैं तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको किताबों में पढ़ने होगी एक पूरे वीडियो में एक सिंगल वीडियो में यह सब बताना पॉसिबल नहीं है यहां पर मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया है जो भी बेसिक चीजें हैं कि आखिर में आप सी किस तरह से यूज कर सकते हो इसके बाद अगर आप इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान में रखोगे उसे याद करोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत आसानी से आप और अच्छा डिजाइन कर सकते हैं तो बस मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पेज बनाना भी सिखा दिया फॉर्म बनाना भी सिखा दिया मैंने आपको टेबल बनाना भी सिखा दिया मैंने आपको सी एस एस अप्लाई करना भी सिखा दिया अब इसके बाद यहाँ पर कई सारे और भी चीज़ें आती हैं एच टी एम एल में जैसे एनिमेशन हो गया ग्राफिक हो गया और भी कई सारी जो बहुत आगे लेवल की है वो भी आपको आनी चाहिए लेकिन ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं जो एक बिगिनर्स को जरूर पता होनी चाहिए एच टी एम एल सीखते वक्त वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से इसे अप्लाई करते हैं किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं किस तरह से फॉर्म बनाते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक्स बता दी अब आप जब किताब में पढ़ोगे या फिर कोई किताब लोगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर में ये सब चीज़ें कैसे होती हैं मैंने आपको बस बेसिक्स बताए हैं शुरुआत में कहते हैं ना आपको बस शुरुआत में पता होना चाहिए कि यार काम कैसे करता है वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बातें नहीं है आपके कॉलेज की बुक है वो पढ़ सकते हो स्कूल की बुक है वो पढ़ सकते हो यहाँ पर अगर नहीं है तो आप अलग से कोई सा भी एक एच की बुक खरीद सकते हो हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं दो तीन एच बुक के नाम डालूंगा आप कोई सा भी ख़रीद के उसमें से पढ़ सकते हो और फुली जो एच टी एम एल है वो सीख सकते हो हालांकि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि फ्री में सीखो इंटरनेट में आपको कई सारे वेबसाइट मिल जाएंगी बस गूगल में जाके सर्च करो एच टी एम एल लर्न वेबसाइट आपको कई सारे वेबसाइट मिल जाएंगे तो यहाँ पर बस यही कहना चाहूंगा मैंने आपको सारी चीज़ें बेसिक्स बता दी हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कुछ जानने को मिला वाकई में आपने कुछ सीखा एच में तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना यार आप लाइक नहीं करते यार पता नहीं चल पाता और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपने वाकई में एच सीखा मुझसे कुछ और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ जो भी एच आपकी क्लासमेट है उन सभी के साथ शेयर जरूर करना हो सकता है यार उनकी मद उन्हें भी मदद मिल जाए और वो भी एच अच्छा खासा सीख जाए आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और अगर आपको अच्छी तरह के वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेलाइन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय